आज की यह वीडियो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल को, जो कि आपके सारे राज्यों का और यूनियन टेरिटरी का होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसे टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि अगर आपको ये लगता है कि हमें तो सब कुछ पता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। बात करेंगे सबसे पहले आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की इसलिए क्योंकि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था, ये था आंध्र प्रदेश। इसकी घोषणा की गई थी 1853 में और ये 1953 में, और ये बन के कम्प्लीट हो गया 1956 में। ये था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अभी अभी एक नया स्टेट बना है, जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और इनकी पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस। देखिए, अगर आप गवर्नर की बात करें तो गवर्नर को अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और वैसे तो गवर्नर का जो टाइम पीरियड होता है ये 5 साल का होता है। मतलब कि एक व्यक्ति को अगर गवर्नर बना दिया गया तो ये अगले 5 साल तक रह सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह प्रेसिडेंट के इच्छा पे डिपेंड करेगा। 5 साल से पहले भी बिना किसी कारण के राष्ट्रपति उसे वहाँ से हटा सकते हैं या फिर कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जो अगला स्टेट है ये है अरुणाचल प्रदेश। उससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे मैप में हम आपको दिखा दें, ये है आंध्र प्रदेश, इसी में से कट के बना है तेलंगाना। अगला है अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा मैप में, और ये सटा हुआ है चाइना से। इंडिया और चाइना में इसके एक डिस्ट्रिक्ट को लेके डिस्प्यूट रहता है, और ये है तवांग जिला। हालांकि ये पूरी तरह इंडिया का जिला है, लेकिन चाइना इस पे अपना दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ये है ईटानगर, और यहाँ पे मौजूदा गवर्नर है बीडी मिश्रा। यहाँ पे मुख्यमंत्री भी हैं और उनका नाम है पेमा खांडू। आप देख सकते हैं मैप में कि ये जो इलाका दिख रहा है ये पूरा चाइना का इलाका है, तो चाइना से ये पूरी तरह से सटा हुआ है। अगला जो स्टेट है ये है असम। तो असम को आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे। तो असम की कैपिटल है दिसपुर, और यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी नदी है, यहाँ की प्रचलित नदी है, यह है ब्रह्मपुत्र। तो असम को ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के जो गवर्नर हैं इनका नाम है जगदीश मुखी, और चीफ मिनिस्टर हैं सर्वानंद सोनोवाल। इनकी पार्टी है बीजेपी, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे इससे पहले तरुण गोगोई मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनका कार्यकाल लगभग 15 सालों तक रहा, और अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है। अब जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है सर्वानंद सोनोवाल। अब तरुण गोगोई को रंजन गोगोई से कंफ्यूज मत करिएगा। रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री रहे लगातार 15 साल तक। आगे बढ़ते हैं तो जो अगला स्टेट है ये है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ को आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये है छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से सटा हुआ है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनुसुईया उइके, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, इनकी पार्टी है कांग्रेस। तो आप पार्टी भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि इस समय कुछ ही स्टेट बचे हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जैसे कि पंजाब, छत्तीसगढ़, इस तरह के बहुत कम ही स्टेट बचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है बिलासपुर, रायपुर। अगला है गुजरात। तो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और मैप में आप देख पाएंगे यहाँ पे है गुजरात, जो कि मुंबई से यानी कि महाराष्ट्र से सटा हुआ है। इसका कुछ भाग राजस्थान और कुछ भाग मध्य प्रदेश से भी टच होता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, और इनकी पार्टी है बीजेपी। यहाँ पे जो विधानसभा है उसमें कुल मिलाकर 182 सीटें हैं। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 26, यानी कि 26 लोग चुन करके आते हैं यहाँ से लोकसभा में। अगला स्टेट है हरियाणा। हरियाणा जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और मैप में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे।
हरियाणा के कई जिले हैं जो कि NCR मतलब कि दिल्ली में आते हैं, और हरियाणा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। यहाँ पे कुल 22 जिले हैं और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर और इनकी पार्टी है BJP की। देखिए अभी यहाँ पे चुनाव हुआ था 2019 में, उससे पहले भी यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री थे। यहाँ के अगर आपको विधानसभा के संसद के बारे में बता दें तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं। एक चीज़ आप जानिए हरियाणा के बारे में कि इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि चंडीगढ़ की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगला है झारखंड। तो झारखंड जिसको मैप में आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, जब इसे बिहार से अलग किया गया तब इसकी राजधानी बनाई गई रांची को। यहाँ पे गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है हेमंत सोरेन। यहाँ पे अभी भी चुनाव हुआ था मतलब 2019 में, और 27 दिसंबर को हेमंत सोरेन यहाँ पे मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन जिनकी पार्टी है JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। हालांकि यहाँ पे 3 पार्टियों की संगठित सरकार है, जिसमें से एक पार्टी है JMM, दूसरी है कांग्रेस और तीसरी है RJD। RJD नहीं पता, ये लालू जी वाली पार्टी है। तो ये 3 पार्टियों की यहाँ पे सरकार है। संसद की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पे ये यह झारखंड, बिरसा मुंडा यहीं से रिलेट करते थे। अगला स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका को आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये है कर्नाटक जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु, और बेंगलुरु यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के गवर्नर हैं बाजू भाई वाला, और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है BS येदियुरप्पा। ये BJP से हैं, और ये भी जानिए कि इससे पहले यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी जो कि एक बार बहुमत नहीं पूरा होने के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो अब यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं BJP से हैं और इनका नाम है BS येदियुरप्पा। आगे बढ़ते हैं तो यह है केरला। केरला को आप यहाँ पे देख पाएंगे मैप में। केरला के जो गवर्नर हैं यह है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे देखिए मिस टाइपिंग हुई है कहीं कहीं, तो क्योंकि गवर्नर की कोई पार्टी नहीं होती है, गवर्नर तो एक संवैधानिक प्रमुख होता है, गवर्नर को निष्पक्ष होकर काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर को फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, गवर्नर अगर कोई फैसला लेते हैं तो उसे चैलेंज किया जा सकता है, ये पूरा पूरा अधिकार एक मुख्यमंत्री को मिलता है। केरला की बात कर रहे थे तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है पिनरई विजयन, और इनकी पार्टी है CPI। CPI की अगर आप सरकार देखेंगे तो भारत में केवल एक ही स्टेट है जहाँ पे CPI की सरकार है। यहाँ पे अगर आप विधानसभा के बारे में देखेंगे तो 141 सीटें हैं विधानसभा में। राज्यसभा में 9 लोग चुन करके जाते हैं और लोकसभा में 20 लोग भेजे जाते हैं केरला से। अगर आपको याद हो तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरला के एक संसदीय क्षेत्र वायनाड से सांसद है, वायनाड से सांसद है। अगला है स्टेट, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, और महाराष्ट्र को में मुंबई है, और मुंबई को हम माया नगरी बोलते हैं। महाराष्ट्र को आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है भारत की। तो यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जिनकी पार्टी है शिवसेना। हालांकि यहाँ पे 3 पार्टियों का गठबंधन सरकार है, शिवसेना, NCP यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और तीसरा है कांग्रेस। तो यहाँ पे 3 पार्टियों की संगठित सरकार है। यहाँ पे जो विधानसभा है उसमें 288 मेंबर और विधान परिषद में 78 विधायक होते हैं। अगला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कमलनाथ। यहाँ पे तो गवर्नर लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पे गवर्नर कौन है? अभी यहाँ पे जो गवर्नर थे उनका देहांत हो गया है, तो फिलहाल यहाँ की जो गवर्नर की सीट है यहाँ पे परमानेंट गवर्नर कोई नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये होता है कि जब भी कहीं पे कोई गवर्नर ना होता है तो किसी न किसी गवर्नर को यहाँ का चार्ज दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई परमानेंट गवर्नर भले ना हो, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर का चार्ज मिला है ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर को मिला है, और जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है उनका नाम है आनंदी बेन पटेल। आनंदी बेन पटेल जो कि इससे पहले मध्य प्रदेश की ही गवर्नर हुआ करती थी, बाद में उनको ट्रांसफ़र करके उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया, लेकिन अब उन्हीं के पास एक्स्ट्रा चार्ज है मध्य प्रदेश का।
आगे बढ़ते हैं तो अगला जो स्टेट है यह है मणिपुर, और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मैप में आप यहाँ पे देख पाएंगे मणिपुर को। यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। देखिए आप देखेंगे कि आपको अक्सर इधर का अगर आप देखेंगे तो आप में से कई सारे लोग होंगे, मतलब 90% लोग होंगे जिनको सब पता होगा सीएम गवर्नर, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सेवन सिस्टर्स हैं, सात पूर्वी राज्य हैं, वहाँ से गवर्नर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा। हाँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके ऐप पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है। अगला स्टेट है उड़ीसा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ से पूरी तरह समुद्र से सटा हुआ है। सबसे ज़्यादा कच्चे रास्ते उड़ीसा में ही है और यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, जो कि लगातार 5वीं बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला स्टेट है पंजाब, जो कि कांग्रेस का है, मतलब कि यहाँ पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और उनका नाम है अमरिंदर सिंह। यहाँ पे जो कैपिटल है यह है चंडीगढ़। गवर्नर हैं बीपी सिंह बंदोरे। तो हमने आपको बताया कि हरियाणा पंजाब दोनों की स्टेट कैपिटल है चंडीगढ़। अगला है राजस्थान। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और यहाँ पे आपने देखा कि अभी डिस्प्यूट चल रहा है, हालांकि वीडियो रिकॉर्ड करते समय डिस्प्यूट चल ही रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे क्लियर हो जाए सब कुछ। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं ये है अशोक गहलोत और ये कांग्रेस से आते हैं। यहाँ पे जो विधानसभा है वहाँ पे 200 विधायक बैठते हैं, राज्यसभा में 10 लोगों को भेजा जाता है और लोकसभा में 25 लोगों को। आप देख सकते हैं ये है राजस्थान, जो कि सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के हिसाब से भारत का, सबसे ज़्यादा बॉर्डर भी शेयर करता है ये पाकिस्तान के साथ, ये पूरा पाकिस्तान के साथ राजस्थान का बॉर्डर शेयर होता है। अगला है सिक्किम, तो सिक्किम को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तवांग। यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद। आगे बढ़ते हैं तो अगला स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा के कैपिटल है अगरतला और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। रमेश बैस यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा को मैप में। देखिए हमने मैप इसलिए लगाया है ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए एक मैप के दृष्टिकोण से, क्योंकि सबको पता होता है लेकिन मैप में आप थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं। अगला जो स्टेट है यह है वेस्ट बंगाल और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। आप देखेंगे कि इस समय बहुत कम ही स्टेट ऐसे बचे हैं जहाँ की एक महिला मुख्यमंत्री है। एक समय ऐसा था कि जहाँ पे 4 से 5 स्टेट हुआ करते थे, लेकिन आज कुछ ही स्टेट बचे हैं जिसमें से पश्चिम बंगाल भी है। यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और जो ममता बनर्जी है इनकी पार्टी है TMC, मतलब कि तृणमूल कांग्रेस। यहाँ पे जो विधानसभा है उसमें 295 मेंबर होते हैं। देखिए ये है मैप और यहाँ पे आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता। अगला है यूपी, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। यहाँ पे अप्रॉक्स करीब 23 करोड़ जनसंख्या है। यहाँ की कैपिटल है लखनऊ और जहाँ से संसदीय क्षेत्र से, यहाँ के संसदीय क्षेत्र से चुन करके जाते हैं हमारे रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और इस समय यहाँ पे श्री राम का अयोध्या में जो मंदिर है उसका अभी निर्माण हो रहा है। यहाँ पे गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। हमने आपको बताया था मध्य प्रदेश वाले में कि आनंदी बेन पटेल को ही मध्य प्रदेश का एक्स्ट्रा चार्ज मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश, जो कि एक तरफ दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड से टच करता है। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट हुआ करता था, 2000 में इसको अलग कर दिया गया और अब यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी पार्टी है BJP। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड यानी इसको उत्तरांचल भी बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन कमेंट करके बताइए अगर आपको करंट अफेयर आप पढ़ते हैं तो। उत्तराखंड में अभी अभी एक नई राजधानी की घोषणा की गई है, मतलब कहा गया कि गर्मियों के दिनों में हम वहाँ से रूल करेंगे। तो क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो राजधानी कौन सी है? अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अगला है बिहार। बिहार जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
बिहार जिसकी कैपिटल है पटना, गवर्नर है फागू चौहान, और यहाँ पे बीजेपी इसलिए लिखा गया है ताकि इससे पहले ये बीजेपी के विधायक थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब ये गवर्नर हैं तो इनकी कोई पार्टी नहीं है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, इनकी पार्टी है JDU, मतलब कि जनता दल यूनाइटेड। यहाँ पे एक डिप्टी सीएम भी है जिनका नाम है सुशील मोदी, सुशील मोदी इनकी पार्टी है, बता सकते हैं बीजेपी। यहाँ पे जो राज्यसभा है यहाँ पे 16 लोगों को भेजा जाता है और लोकसभा में 40 सीटें निर्धारित की गई हैं। अगला जो स्टेट है ये है गोवा, जिसको आप यहाँ पे देख पाएंगे इतने बड़े मैप में छोटा सा। इसकी कैपिटल है पणजी, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को याद रखिए, ये गवर्नर थे और जम्मू एंड कश्मीर का, जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो यहाँ पे आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। हालांकि इस समय ये गोवा के गवर्नर हैं। और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है प्रमोद सावंत, इनकी पार्टी है बीजेपी। यहाँ पे राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 2 सीटें होती हैं। अगला जो स्टेट है ये है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, दो हैं, दोनों को याद रखिए। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और बीजेपी के जो सीएम है उनका नाम है जयराम ठाकुर। राज्यसभा में 3 सीटें और लोकसभा में 4 सीटें जाती हैं। अगर आप मैप में देखें तो ये है हिमाचल प्रदेश। जो अगला स्टेट है ये है मेघालय, जो कि आपको यहाँ दिखेगा, जिसकी कैपिटल है शिलोंग, और यहाँ के गवर्नर हैं तथागत राय, चीफ मिनिस्टर हैं कार्नाड संगमा, इनकी पार्टी है NPP। यहाँ पे 60 विधायक हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं और लोकसभा की 2 सीटें निर्धारित की गई हैं। जो अगला स्टेट है ये है मिजोरम, जिसकी कैपिटल है आइजवाल और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई, देखिए हमने आपको बताया था कि यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन इधर से पूछे जाते हैं। इनके नाम भी थोड़ा आपको टेढ़े मेढ़े दिखेंगे अगर आप उत्तर भारत से हैं या फिर पश्चिम भारत से हैं। तो यहाँ के गवर्नर को आप हमने बता दिया, चीफ मिनिस्टर हैं जोराम थांगा, इनकी पार्टी है MNF, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं टानुवालिया। यहाँ पे जो विधानसभा है उसमें केवल 40 सीटें हैं, क्योंकि रूल बनाया गया था कि विधानसभा में कम से कम 60 सीटें होना जरूरी है, लेकिन ये एक अपवाद है जहाँ पे केवल 40 विधायक है। यहाँ पे राज्यसभा में एक और लोकसभा में एक लोग चुन करके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये है नागालैंड, जो कि अपने नए कानून के लिए जाना जाता है, यहाँ पे कानून हमेशा लगा रहता है। यहाँ की कैपिटल है कोहिमा और गवर्नर है RN रवि। चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, इनकी पार्टी है NDPP, और यहाँ पे जो विधायक है इनकी संख्या है 60। लोकसभा में एक और राज्यसभा में एक लोगों को चुन करके भेजा जाता है। अगर आपको नागालैंड दिखाएं तो यहाँ पर है नागालैंड, असम और मणिपुर से सटा हुआ। आगे बढ़ते हैं तो ये बचा है स्टेट तमिलनाडु, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, और जिसकी कैपिटल है चेन्नई और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर है इक्कापड़ी के पलानी स्वामी। ये AIADMK इनकी पार्टी है, और सीएम का नाम याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है एग्जामों में। और यहाँ पे जो विधानसभा है उसमें 234 विधायक हैं, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 लोगों को यहाँ से चुन करके भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यह है तेलंगाना, तेलंगाना जो कि बना था 2 जून 2014 को, कहाँ से कट करके आंध्र प्रदेश से। यहाँ के कैपिटल है हैदराबाद, और यहाँ पे जो गवर्नर हैं इनका नाम है तेलिमसाई सुंदरराजनम, और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव हैं, TRS इनकी पार्टी है TRS। यहाँ पे जो विधायक हैं उनकी संख्या है इतना आप देख सकते हैं, और यहाँ पे राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 17 लोगों को भेजा जाता है। अगर आपको तेलंगाना के बारे में बताएं तो ये आंध्र प्रदेश से ही कट के बना था। ये तो था राज्य, राज्य था अभी तक। अब हम देखेंगे कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर को और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को, मतलब के प्रशासक को। देखिए जो यूनियन टेरिटरी होती है ना, वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जैसे कि दिल्ली और चंडीगढ़, तो इस तरह। बात करते हैं सबसे पहले लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप का कैपिटल है कारावती, एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे दिनेश्वर शर्मा, और यहाँ पे मोहम्मद फैजल यहाँ पे MP है यहाँ से। पुदुचेरी ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनियन टेरिटरी को आप लोग छोड़ देते हैं, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। पुदुचेरी की कैपिटल है पुदुचेरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर है
किरण बेदी, अगर आपको याद हो तो इससे पहले ये एक बार अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी की कैंडिडेट थी दिल्ली में। हालांकि वहां से इनको हार का सामना करना पड़ा, अब इनको पुदुचेरी का गवर्नर बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर हैं पी नारायण स्वामी और यहाँ पे जो विधानसभा है उसमें 33 सीटें हैं। अगला है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनका नाम है बीपी सिंह बंदोरे, जो कि पंजाब के गवर्नर भी हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की बात करेंगे तो यहाँ के कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी। दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव का जो कैपिटल है यह है दमन और यहाँ पे जो प्रशासक है इनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, प्रफुल्ल पटेल भी आप शॉर्ट में इनको बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यह है देश की राजधानी दिल्ली और जो कि एक यूनियन टेरिटरी होती है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जिनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। यहाँ पे अभी अभी चुनाव हुआ है 2020 में ही और यहाँ पे नए मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल ही बने हैं। यहाँ पे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है मनीष सिसोदिया और ये भी आप पार्टी से ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यह है लद्दाख, जो कि पिछले साल यानी कि 2019 में 31 अक्टूबर को ये एक बना था अलग से यूनियन टेरिटरी, तो ये बना था देखिए 31 अक्टूबर 2019 को बना, ये आप याद रखिए डेट, बहुत बार पूछा जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैपिटल है लेह कारगिल और डिस्ट्रिक्ट है केवल यहाँ पे दो। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मतलब कि एमपी हैं, सांसद हैं, उनका नाम है जेमयांग तेरसिंह नामग्याल और इनकी पार्टी है बीजेपी। देखिए यहाँ पे कई सारे टेढ़े नाम हैं जो कि आपको याद ना रहे हो सके एक बार में, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। अगला है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पहले एक स्टेट हुआ करता था, बाद में इसे दो यूनियन टेरेटरी में बना दिया गया, तो अब जो जम्मू एंड कश्मीर है इसकी कैपिटल है श्रीनगर। ये मई से अक्टूबर तक रहेगा, नवंबर से अप्रैल तक रहेगा जम्मू। 20 जिले हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद मुर्मू, काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका भी नाम। और यहाँ पे जो विधानसभा है 114 सीटें हैं, राज्यसभा में 4 और लोकसभा में 5 लोग चुन करके भेजे जाते हैं। तो ये रही पूरी कंप्लीट वीडियो। अब चलिए आपसे 5 क्वेश्चन हमने पूछने को कहा था, कमेंट करके बताइए मिजोरम के गवर्नर कौन है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, यहाँ पे कोई गवर्नर नहीं है मतलब इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन बताइएगा कौन है। और आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है और तेलंगाना के गवर्नर कौन है। तो बस यही 4 क्वेश्चन जिसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।